रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्ट करंट मतलब सेम ही डायरेक्शन में रहेगी, करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो रेक्टिफायर अपने दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है कि ये क्या करेगा, इसके जो है जो इनपुट है, यहाँ से जो है इनपुट आ रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसे होगा कि ये अपना एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, जो एक्सटर्नल बैटरी से एक्सटर्नल जो भी एसी आएगी उसको जो है थोड़ा स्टेप डाउन कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा, ये वोल्टेज कम कर देगा, वोल्टेज कम कर देगा। और यहाँ से एक डायोड यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ही डायोड यहाँ पे कनेक्टेड है इसमें, ये डायोड यहाँ से कनेक्टेड है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस जो भी आउटपुट का सर्किट है, जो भी हमने कनेक्ट किया है इसके अक्रॉस, बल्ब है, कोई बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कुछ भी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा आउटपुट होगा। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट वोल्टेज। इसमें जो करंट होगी वही डिसाइड करेगी इसका जो है कितना वोल्टेज होगा। तो जो करंट होगी आई इंटू आर एल वही हो जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो ये जो है कुछ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मान लो कि हमने इनपुट वोल्टेज दे दिया इस टाइप का, अपना जो इनपुट है वी आई, वी आई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे जो है साइनोसॉइडल पल्स यहाँ से इन करेगा। तो जब साइनोसॉइडल पल्स इन करेगा, जब यहां से पॉजिटिव साइकिल आता है, पॉजिटिव साइकिल आता है, पॉजिटिव साइकिल मतलब कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक जीरो ले लेते हैं, एक टर्मिनल जीरो के कंपैरिजन में, ऐसा मानते हैं कि ये दो हमारे पॉइंट्स हैं, ये ए है और ये बी है। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा उस इंस्टेंट पे हम मानते हैं कि ए जो है वो बी से, पॉजिटिव साइकिल मतलब यहाँ पे न्यूट्रल टाइप का है, यहाँ पे न्यूट्रल है, इसके रेस्पेक्ट में ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल वी ए इज मोर देन वी बी, पॉजिटिव साइकिल आता है और वी ए जो है वो हाई पे होगा और बी जो है वो लो पे होगा। तो जब ये पॉइंट जो है हाई पोटेंशियल पे होगा और ये पॉइंट जो है वो लो पोटेंशियल पे होगा, लो पोटेंशियल पे होगा तो जो पी है वो हाई पोटेंशियल पे है और जो एन है वो लो पोटेंशियल पे है, तो जो डायोड है, डायोड क्या हो जाएगा, वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में जब तक ये हाई पोटेंशियल पे बना रहेगा, जब तक ये पॉइंट जहां तक भी करंट फ्लो वोल्टेज बढ़ती जाएगी, तो वो ये जो है फॉरवर्ड बायस में बना रहेगा और करंट यहां से फ्लो होती रहेगी, हमें क्या होगा आउटपुट मिलता रहेगा। तो जो रेजिस्टेंस यहाँ से हम डाल रहे हैं, जितना भी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे करंट होगी, आई इज इक्वल टू, क्योंकि रेजिस्टेंस एसी में तुम्हें याद होगा एसी सर्किट में करंट कैसे निकाल सकते हैं, एसी सर्किट में जो करंट है, हाँ नॉट एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस वाली करंट है प्योरली रेजिस्टिव, उसमें वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, तो यहाँ पे आई इंटू आर कर देंगे, ये वी बाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ से वी नॉट बाई आर एल, वी नॉट बाई आर एल साइन ओमेगा टी। टेक्निकली क्या होना चाहिए भाई, इस डायोड का भी कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, फॉरवर्ड बायस में कुछ तो रेजिस्टेंस आएगा, तो फॉरवर्ड बायस में हम मान लेते हैं कि इसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो हम ऐसे मुझे लिखना चाहिए टेक्निकली वी नॉट आर फॉरवर्ड प्लस आर एल इंटू साइन ओमेगा टी। तो एक तो करंट भी सेम फेज में होगा और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। अब इसमें मान लो मैं आइडियल टाइप का डायोड मानता हूँ, बिल्कुल आइडियल है, मतलब आर एफ क्या है, आर फॉरवर्ड वो जीरो है, आर एफ जीरो है, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर एल,
आई इंटू आर एल मतलब जितना आएगा उतना ही मुझे मिल जाएगा, लेकिन कब तक, जब तक कि ये पॉजिटिव साइकिल है। जैसे ही नेगेटिव साइकिल होगा, जब नेगेटिव साइकिल होगा तो वी ए क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल वी ए इज लेस देन वी बी। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, डायोड विल बी इन रिवर्स बायस, करंट जीरो, डायोड विल बी इन रिवर्स बायस और उस केस में जो करंट है वो जीरो हो जाएगा, करंट कुछ फ्लो नहीं करेगी। थोड़ी बहुत करंट अगर होती है तो वो जो है माइनॉरिटी की वजह से हल्का फुल्का फ्लो करता रहेगा। तो अगर इनपुट वोल्टेज यहां से आती है, इनपुट वोल्टेज ये मिला मुझे, इनपुट वोल्टेज, तो ऐसा एक कंप्लीट साइकिल अगर है तो एक साइकिल में नेगेटिव वाला हाफ मुझे नहीं मिलेगा, मतलब जब तक फॉरवर्ड बायस में होगा तब तक मुझे नहीं मिलता रहेगा वो पल्स, और जैसे ही रिवर्स में जाएगा तो वो पल्स मुझे नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा आउटपुट, तो आउटपुट में ये पल्स मिलेगा और ये पल्स कुछ नहीं आएगा, रिवर्स बायस जब तक रहेगा, वापस फॉरवर्ड स्टार्ट होगा, वापस मिलेगा, फिर जो है जीरो रहेगा। तो ये हो जाएगा आउटपुट वर्सेस टाइम और ये हो जाएगा इनपुट वर्सेस टाइम। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। 100 ग्राफिकली जो है भाई, मेरा ये आउटपुट वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में कितने पल्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या है कि एक सेकेंड में 100 साइकिल्स हैं, 100 साइकिल्स हैं, तो हर साइकिल में से यहाँ पे ये मिल रहा है, दूसरे में जीरो मिल रहा है। तो अल्टीमेटली ग्राफ की रिपीटिंग यूनिट क्या है, रिपीटिंग यूनिट तो ये है ना, ये है, ये पूरा एक एक रिपीटिंग रिपीटिंग यूनिट है, मतलब आउटपुट फंक्शन ये रिपीटिंग यूनिट है, इसके बाद ये रिपीटिंग यूनिट है। तो जितने टाइम में इसका साइकिल मिल रहा है इसमें भी उतना ही साइकिल मिल रहा है, बस आधे पार्ट तक जीरो मिल रहा है, वो भी तो है, जीरो भी तो कुछ है थोड़ी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट है वो भी 100 हर्ट्ज होगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अगर हम डायोड का रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं तो ये हो जाएगा योर साइन ओमेगा टी, कब तक, t इज इक्वल टू जीरो से लेके t बाई टू तक, और t बाई टू के बाद क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, t बाई टू से लेके t तक, ग्रेटर देन t बाई टू, तो ये जो है जीरो रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि भाई रिपीटिंग यूनिट, तो ये ग्राफ का रिपीटिंग यूनिट ये दोनों पार्ट है, तो जितने टाइम में इसका एक साइकिल है उतने टाइम में इसका एक साइकिल है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी, इनपुट एंड आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। बात समझ रहे हो? हाँ सर। अब व्हाट इज एवरेज, एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट फॉर दिस इनपुट, तो इनपुट का जो एवरेज था एक कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो था इनपुट का। और आरएमएस क्या थी, आरएमएस इनपुट का वही एसी वाला, वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू। अब इसका एवरेज मुझे फाइंड करना है, एवरेज इसका फाइंड करना है क्योंकि इसका जीरो तो होगा नहीं, तो इसका एवरेज अगर फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा वी एवरेज, आउटपुट के लिए एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा एफ डी टी, कोई भी अगर फंक्शन है तो वी डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये है एवरेज का फॉर्मूला। तो अभी मैं करूंगा जीरो से टी बाई टू तक और टी बाई टू से टी तक, ये दो है, तो जीरो से टी बाई टू तक ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये जीरो से टी बाई टू, और फिर t बाई टू से t तक जो है वो जीरो डी टी, जीरो डी टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम तो है t, टोटल टाइम एक टाइम पीरियड, तो इसका जो है एवरेज आ जाएगा v नॉट साइन ओमेगा t, v नॉट साइन ओमेगा t, इंटीग्रेट कर देंगे साइन ओमेगा t हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू t, ओमेगा इंटू t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इंटू ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट पुट करेंगे, समझ रहे हो, ये चीज कॉस साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी लिमिट पुट करेंगे जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू,
जिसको भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है वो बोल देगा ना कि ये लिमिट पूरी, साइन को इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा कर दिया, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई टू पाई, और यहाँ पे जीरो से टी बाई टू, तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस ऑफ माइनस कॉस जीरो, तो ओमेगा टी हो जाएगा टू पाई, टू पाई डिवाइडेड बाई टू पाई, कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस वन, और कॉस जीरो प्लस वन, कॉस जीरो जीरो नहीं करना है, प्लस वन टू, टू से टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज आउटपुट जो होगा वो हो जाएगा वी नॉट बाई पाई। आउटपुट का एवरेज वोल्टेज क्या होगा? वी नॉट बाई पाई। इनपुट का एवरेज वोल्टेज क्या है? जीरो। आउटपुट का एवरेज वोल्टेज वी नॉट बाई पाई, ठीक है। आरएमएस, आरएमएस कितना होगा आउटपुट का? आउटपुट का आरएमएस, तो आउटपुट का आरएमएस के लिए तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन लेंगे, तो पहले एमएस फाइंड कर लेते हैं, मतलब स्क्वायर मीन, तो ये हो जाएगा वी एमएस, ऐसा कुछ है नहीं, तो वी वो हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर डीटी, स्क्वायर का मीन वी स्क्वायर डीटी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीटी उसका रूट, यही है आरएमएस। तो यस सर, तो ये जो आरएमएस है ये अब इसको उसी में दो पार्ट में ब्रेक कर देना है, दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा क्या, वी स्क्वायर डीटी हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डीटी, और वो जीरो से टी बाई टू तक का है, और टी बाई टू से टी तक का तो जीरो है, जीरो डीटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा टी, टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा टी। अब साइन स्क्वायर टी डी टी, साइन स्क्वायर टी डी टी जो ये जो एवरेज होता है, ये तो वी नॉट स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वी नॉट यहाँ से कॉमन ले लेंगे, वी नॉट कॉमन ले लिया, और ये वैल्यू जो है आ गई कितना, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो थोड़ा सा इसमें प्रीवियस पॉइंट अगर हम यूज कर लेंगे तो तुरंत रिलेट कर लोगे तो हो जाएगा, यहाँ से वी नॉट तो कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से टी बाई टू डिवाइडेड बाई टी, ये हुआ। अब थोड़ा प्रीवियस वाले को याद करो कि जो जो हम उसमें लेते थे वो होता था क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वन बाई टू, वन बाई टू, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी मीन मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू, क्या ये एरिया अंडर ग्राफ होता है, एरिया अंडर ग्राफ होता है, तो साइन का जो ग्राफ है, साइन का ग्राफ ऐसा है, साइन स्क्वायर का ग्राफ, ये साइन टी का ग्राफ है, साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यस सर, ये साइन स्क्वायर टी का। अब इसका जितना एरिया, ये टोटल एरिया मिलके वन बाई टू हो रहा है, मतलब हाफ अगर लेंगे तो वन बाई फोर हो जाएगा, अगर इसमें हाफ ही पार्ट में कंसीडर करूंगा ये सारा तो क्या होगा, वन बाई फोर होगा, ये तो ये एवरेज अगर ले रहे हैं टोटल जीरो से टी तक कर रहे हैं तो उसमें दो बार ऐसे फंक्शन आ रहे हैं तो वो क्या होगा, वन बाई फोर हो रहा है टोटल, वन बाई टू, तो अगर हाफ तक ही कंसीडर करूंगा तो वही चीज क्या आ जाएगी, वन बाई फोर आएगी इसका हाफ, बात समझ पा रहे हो, ये तो ये टर्म जो है, ये टर्म t बाई टू तक या तो इंटीग्रेट करेंगे, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी करो, फिर उसको इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट पुट करो, अदरवाइज अगर हम देखेंगे कि भाई टोटल वाला करने से मुझे आ रहा था वो वन बाई टू, तो अभी हाफ ही टाइम का वो फंक्शन है, हाफ टाइम का ही फंक्शन है, तो वो वन बाई फोर आ जाएगा, वन बाई फोर आ जाएगा ये पूरा टर्म, मतलब क्या होगा ये चीज, इसको हाँ, इसको जो है, इसको जो है यहाँ से ऐसे कर दो, यहाँ से अगर इसको टी मान लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बाई टू, इधर इधर आएगा, हाफ करेंगे तो टी बाई फोर हो जाएगा, यहाँ वी नॉट बाई फोर, वी नॉट का स्क्वायर रूट वन बाई फोर,
तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई टू, वी नॉट बाई टू। तो आर एम एस वैल्यू है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू। यहां से टोटल हुआ है, टोटल इज इक्वल टू, टोटल इज इक्वल टू टी बाई टू। अगर दो जो थोड़ा कष्ट में है कुछ तो होंगे उनके लिए, साइन स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, ये तो इंटीग्रेशन, ये टी बाई टू हो जाएगा, टी बाई टू। अब ये वैल्यू अगर टी बाई टू है और फंक्शन बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो ये तो एरिया अंडर ग्राफ ही है, वाई डी एक्स वाई डी टी यहाँ पे, तो ये चीज आ रही है टी बाई टू, तो इसका हाफ लेंगे तो टी बाई फोर, टी बाई फोर यहाँ पे पुट करो, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बाई फोर आएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये चीज हो जाएगी टी बाई फोर। तो तुम्हें अगर कैलकुलेट करना है तो टेक्निकली हम इसको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट्स पुट करेंगे, वो सब करने वरने के बाद आ जाएगा 1 बाई फोर। बट ये जानते हो कि भाई एक टाइम पीरियड में जो एरिया अंडर ग्राफ है, ऐसे मान लो यही तो है एरिया अंडर ग्राफ साइन स्क्वायर का, तो वो टी बाई टू है, तो हाफ ग्राफ टी बाई फोर होगा। तो यहाँ पे मुझे हाफ ही चाहिए, जीरो से टी बाई टू तक चाहिए, तो मैं टी बाई फोर कर दूंगा, यहाँ पे टी बाई फोर कर दूंगा, तो ये वन बाई फोर आ जाएगा। तो वी आर एम एस जो है वो हो जाएगा वी नॉट बाई टू, वी आर एम एस जो है वो हो जाएगा वी नॉट बाई टू, और वी आर एम एस उधर था वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर इसको बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब हाफ ही जो है वो ट्रांसफर कर रहा है बाहर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम, एवरेज वी नॉट बाई पाई और आर एम एस वी नॉट बाई टू, इनपुट का एवरेज जीरो, आर एम एस वी नॉट बाई रूट टू, फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा इसका डायग्राम, ये होगा इसका इक्वेशन, ऐसा हो जाएगा। सर वो जो आपने ऊपर में लिखा है वो v नॉट इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी जीरो से टी हाफ तक, जीरो से टी हाफ, हाँ, तो फिर जीरो हो गया कहाँ, टी हाफ से टी तक, तो कैसे लिखे हैं वो? तो ये आउटपुट, आउटपुट जो करंट है, आउटपुट करंट इधर जीरो मिल रहा है ना वोल्टेज, तो ये तो टी बाई टू है, हाफ टाइम पीरियड ही है ये, हाफ टाइम, यस सर, ये फुल टाइम पीरियड है, ये थ्री टी बाई टू है, ये जो है टू टी है, तो ये टी ऐसे, तो टी बाई टू तक वो फंक्शन है ये, और टी बाई टू के बाद जीरो है। हाँ सर, तो ये आउटपुट का इक्वेशन हो गया, और उसको जो है एवरेज और आरएमएस के लिए फाइंड कर लेंगे। ये वैल्यूज याद रखना है, इतना याद रख लो, बहुत है, आएगा भी तो ये आएगा एवरेज इन दिस वी नॉट बाई पाई और ये वी नॉट बाई टू। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर उसमें जो है फुल वेव रेक्टिफाई हो जाएगा, और क्या, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड एक्ट कर देंगे। 12th गया, अच्छा